हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सारे के सारे इडियम फ्रेजेस। तो मेरे पास लगभग 200 के आसपास इडियम फ्रेजेस हैं, तो उनको आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला है टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, मतलब कि अपनी दोनों उंगलियों को जोड़े रखने का मतलब क्या होता है, किसी अच्छी चीज की तलाश करना। ठीक है, शॉर्ट में करा रहा हूँ, अच्छी चीज की तलाश करना इसका मतलब हो गया कीप फिंगर क्रॉस। ठीक है, सारे शॉर्ट में करेंगे, कीप फिंगर क्रॉस मतलब कि अपनी दोनों उंगलियों को जब अपने दबा के रखते हैं तो उसको कहते हैं कि अच्छी चीज की तलाश कर रहे हैं अपने। उसके बाद में है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड तो ब्लू से अपने को ये चीज याद रखना है कि ब्लू वर्ड आती है अपने को शाही चीज की याद आती है, मतलब कि शाही खून है किसी का, राजा महाराजा का होता है तो अपने कह सकते हैं शाही खून है, मतलब बहुत पैसे वाली सामी है। उसके बाद में कहते हैं स्नेक इन द ग्रास, जैसे कि नाम से पता लग रहा है स्नेक इन द ग्रास, स्नेक मतलब सांप और ग्रास मतलब घास, घास के अंदर सांप होना मतलब कि आस्तीन का सांप होना। ठीक है, आस्तीन का सांप होना, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद में जैसे टू लुक ब्लू, अब देखना एक होता है टू लुक ब्लू और एक होता है टू लुक ब्लैक या ब्लैंक दिखाई देना, टू लुक यहाँ पे ब्लू भी लिख देते हैं। तो टू लुक ब्लू, ब्लू का मतलब होता है उदास होना। ठीक है, और टू लुक ब्लैंक, ब्लैंक था यहाँ पे, टू लुक ब्लैंक, ब्लैंक मतलब होता है खाली दिखाई देना, खाली से अपने कह सकते हैं यहाँ पे परेशान दिखाई देना, और वो खाली है तो क्या है, परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, और ब्लू है, टू लुक ब्लू है तो क्या होगा, उदास होगा। ब्लू मतलब उसका चेहरा नीला सा पड़ गया तो उदास है, और ब्लैंक होगा मतलब खाली दिखाई दे रहा तो परेशान है। उसके बाद में एट डेगर ड्रोन, डेगर ड्रोन को आप कैसे याद करोगे, एट डेगर ड्रोन को याद करने का तरीका अपने कह सकते हैं, एक सेकंड तरीका मैं सोच लूँ फिर बताता हूँ आपको। एट डेगर ड्रोन का मतलब होता है डेग के ड्रॉ कर दिया, डेग के ड्रॉ कर दिया मतलब लड़ाई कर ली। ठीक है, या किसी को डेग दिया, डेग दिया मतलब, डेग दिया मतलब गिरा दिया। ठीक है, अगर अपने किसी को गिरा देते हैं तो वो अपना क्या होता है, शत्रु होता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में एट सिक्सेस एट सेवंस, एट सिक्सेस और सेवंस, इसका तो अपने को नाम से पता लग रहा है किसी भी चीज का अस्त व्यस्त हो जाना, सिक्सेस सेवन मतलब अस्त व्यस्त, खराब कर देना, छक्के के बाद सातवां तो होता नहीं है तो अस्त व्यस्त कर दिया उसने, हर चीज को क्या तोड़ दिया, खराब कर दिया उसको। ठीक है, उसके बाद में अगला देखते हैं तो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कॉन्टेंशन, इन दोनों का वर्ड का याद रखना। डिस्कॉर्ड का मतलब यहाँ पे लड़ाई झगड़े से होता है। ठीक है, तो एप्पल को अपने यहाँ पे जड़ से कह सकते हैं, तो झगड़े की क्या होगी, जड़ होगी। और बोन ऑफ कंटेंशन, बोन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हड्डी, और कंटेंशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से झगड़ा ही हो गया। ठीक है, तो झगड़े का क्या हो गया, हड्डी, झगड़े की हड्डी मतलब झगड़े का कारण। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या हो गया, झगड़े का कारण। उसके बाद में है एट वंस बैक कॉल, एट वंस बैक कॉल, बैक कॉल का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ने आपको आवाज लगाई और आप तैयार हो। ठीक है, तो सेवा में तैयार रहना, सेवा में तत्पर मतलब तैयारी रखना अपनी। ठीक है, उसके बाद में एट ए लॉस, एट ए लॉस का मतलब, लॉस मतलब घाटा हो गया। ठीक है, तो लॉस मतलब घाटा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अनिश्चय है अभी, कोई भी काम करने के लिए वो अनिश्चय है अभी, उसको पता नहीं कि करना क्या पड़ेगा। उसके बाद में जैसे इवेट ब्लैंकेट, इवेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, एक अपने वैसे तो वेट का मतलब क्या होता है, गिल्ला होता है ना, तो इवेट ब्लैंकेट मतलब जिसको कोई भी खुशी ना हो। ठीक है, एक निरुत्साहित व्यक्ति कह सकते हैं, मतलब अपने कह सकते हैं खुशीहीन व्यक्ति या जिसको खुशी ना हो। ठीक, क्लियर। उसके बाद में अगला पेज देखते हैं अपने, हाँ एक सेकेंड। उसके बाद में जो अगला अपने पास वो है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्लू से अपने को पैसे याद आ जाता है कि ब्लू का मतलब उदास होने के सेंस में, जैसे अपने ने क्या था टू लुक ब्लू, ब्लू से अपने को यह पता लग जाता है कि ब्लू जब भी वर्ड आ गया तब अपने को दुख ही दिखाई देगा, तो टू लुक अब अपने पास है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू या बोल्ट ऑफ द ब्लू, तो विपदा आना ये कह सकते हैं, विपदा आना या आकस्मिक विपदा आना। ठीक है, उसके बाद में अगला है जो वो है ए बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग मतलब जलना। ठीक है, और जलने वाला कोई क्वेश्चन होता है तो अपने क्या कह सकते हैं,
ऐसा क्वेश्चन जो कि मतलब क्या अभी अभी ताजा ताजा, तो उसको क्या कह देंगे, ज्वलंत प्रश्न, मतलब जो अभी ट्रेंडिंग में है प्रश्न, ठीक है, क्या होगा ज्वलंत प्रश्न। उसके बाद में अगला क्या, टू बर्न वंस बोट, टू बर्न, बर्न मतलब जलाना, तो टू बर्न वंस बोट मतलब अपने ही बोट को जला देना। तो क्या कहना कि हाँ अब मैंने डिसीजन ले लिया, मतलब कंप्लीट डिसीजन ले लेना, लास्ट में डिसीजन पे है कि अब अपना यही डिसीजन होगा, ठीक है। तो निर्णय लेना, अंतिम निर्णय लेना क्या होता है, टू बर्न वंस बोट, कि मैं अब अपनी जो बोट है वो जला के छोड़ूंगा, ठीक है। और फिर से वही आ गया, टू लुक ब्लैक, अब पहले था ब्लैंक, फिर था ब्लू, फिर था ब्लैक। ब्लैक का भी क्या होगा, नाराज होना, ब्लैक ब्लू इन दोनों का याद रखना, नाराज होना, परेशान होना, उदास होना, ब्लैक ब्लू इन सब का यही होता है, ठीक है। उसके बाद में अपना अगला है ए डार्क हॉरस, ए डार्क हॉरस, हॉरस मतलब घोड़ा, घोड़ा जो होता है वो क्या होता है, बहुत तेज होता है, ठीक है। डार्क मतलब अंधेरे में जो घोड़ा है वो बहुत तेज होता है, मतलब कि एक ऐसा इंसान होना वो क्या होना, छुपा रुस्तम होना, छुपा रुस्तम होना, ठीक है। उसके बाद में अगला है टू फ्लॉग ए डेड हॉरस, टू फ्लॉग ए डेड हॉरस, डेड हॉरस का मतलब कोई घोड़ा है वो क्या है, मर गया है। तो मरने के बाद अब जो भी अपने काम करेंगे वो अपने लिए क्या होगा, बेकार का होगा, तो व्यर्थ का कार्य करना, क्योंकि तो अपना घोड़ा तो मर चुका है, अब भागेगा कौन, भागने लायक कोई बचे ही नहीं, भागने लायक भी कोई होना चाहिए। उसके बाद में एक क्लोज फिस्टेड मैन, फिस्टेड मैन, ठीक है। फिस्टेड को आप याद कर लो, फिस्टेड का मतलब होता है कंजूस होना, और मैन का मतलब आदमी, एक कंजूस आदमी, ठीक है, एक क्लोज फिस्टेड मैन होगा। उसके बाद में मेक ए क्विक बक ऑफ, मेक ए क्विक बक ऑफ, क्विक का मतलब जल्दी, और बक मैंने यहाँ पे याद रख लो, बक का मतलब होता है धोखा, मतलब धोखा देना किसी को, जल्दी धोखा देना, पहले बहला फुसला लेना और बाद में धोखा देना, तो क्विक बक ऑफ या मेक ए क्विक बक ऑफ। उसके बाद में टू पुट ऑन एयर, पुट ऑन एयर, किसी भी बात को क्या हवा में ना उड़ाना, तो मतलब बहुत ज्यादा क्या होना, महत्वपूर्ण होना, किसी भी बात को हवा में ना उड़ाना मतलब महत्वपूर्ण होना, टू पुट ऑन एयर, हवा में ना उड़ाना ये कह सकते हैं, हवा में नहीं उड़ाएगा तो बात इंपॉर्टेंट ही होगी, हवा में उड़ाएगा तो। उसके बाद में फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ठीक है। इसको याद करने का तरीका ये है कि मैंने एक कार्ड भेजा, पहले वो पिलर पे गया और फिर वो पोस्ट पे गया, मतलब हर जगह पे जा रहा है बार बार, तो दर दर के धक्के खाना या दर दर की ठोकरें खाना, पिल्लर से पोस्ट तक जा रहा है, मतलब बहुत टाइम लग रहा है, इतनी जगह पे जाना पड़ रहा है उसको। उसके बाद में इन डोल ड्रम्स, इन डोल ड्रम्स, डोल ड्रम्स, इसको आप ऐसे याद कर लो, डोल मतलब दो ड्रम्स के बीच में हो रहा है, तो मतलब क्या है, कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन में मतलब संकट में है, इसको कोई ना कोई परेशानी है, तो संकट में होना। उसके तो बाद में अगला देखें, तो अगला अपने पास तो स्मेल ए रैट, स्मेल ए रैट मतलब कि अपने को आशंका है कि ये हो सकता है, स्मेल ए रैट मतलब अपने क्या सकते हैं, शक होना किसी चीज का, क्या शक होना। उसके तो बाद में अगला टू विन लॉरल्स, टू विन लॉरल्स, तो यहाँ पे लॉरल्स का मीन्स है कि को विन मतलब होता है जीतना, लॉरल्स मतलब अर्जित करना, तो अपने कह सकते हैं यहाँ पे सम्मान अर्जित करना, सम्मान अर्जित करना मतलब अपने आप को प्रेज प्राप्त करवाना, ठीक है। उसके बाद में है टू कीप वंस हेड, कीप वंस हेड, वंस मतलब अपना, हेड मतलब सिर, अपना सिर ऊंचा करना, अपना सिर ऊंचा करने का मतलब क्या है कि धैर्य रखना, धैर्य रखना। एक चीज और याद रखना, टू कीप वंस हेड या फिर टू मेक वंस बोट, इस तरीके का जो आया उस उसका मीन्स अपने से रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड होगा तो ऐसे आएंगे जैसे धैर्य में रहना, और जैसे अपने उस टू मेक वंस बोट या जो भी किया था अपनों ने, उसका मतलब ये था कि अंतिम निर्णय लेना, मतलब कि खुद से रिलेटेड